सो फाइनली 1 अगस्त को हमारे गेम के अंदर आता है सीएस रैंक का सीजन 26, जहां मेरा इलाइट मास्टर का रैंक ड्रॉप होकर डायमंड 4 हो जाता है। तो अभी मुझे इस डायमंड 4 के रैंक को 24 आवर के अंदर ग्रैंड मास्टर में कन्वर्ट करना था, लेकिन मेरे सामने यहां पे आ जाते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम। तो 1 अगस्त के दिन ही हमारे यहां का वेदर कंडीशन काफी खराब हो जाता है, जिसके वजह से हमारे यहां पे लोड शेडिंग हो जाती है। एंड वेदर तो 1.5 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे यहां पे लोड शेडिंग पूरे दिन के लिए होती है, जिसके वजह से ना मैं पंखा यूज कर सकता था, ना ही मैं वाईफाई यूज कर सकता था। एंड उसके ऊपर से 5G का जो कवरेज था वेदर खराब होने के वजह से वो भी बंद हो गया था। उसके ऊपर से मुझे एक और मेजर प्रॉब्लम का सामना ये करना पड़ता है कि मैं खेलता हूँ नॉर्मल फ्री फायर में, एंड जियो के सिम के अंदर जो है नॉर्मल फ्री फायर लॉगिन नहीं होता है। तो मुझे यहाँ पे फ्री फायर मैक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड क्योंकि 5G कवरेज नहीं है तो इसमें भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। बट फिर भी मैं काफी टाइम लगा के फ्री फायर मैक्स को इंस्टॉल करके फाइनली रैंक पुशिंग शुरू करता हूँ। तो इसीलिए इस सीजन मेरे लिए रैंक पुशिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ इस सीजन आपने कहां तक रैंक पुश किया है, एंड सीजन एंड होने तक आप लोग किस रैंक तक पुश करना चाहते हो। बाकी चलो अभी देख लेते हैं मैं ये डायमंड 4 के रैंक को ग्रैंड मास्टर में कितने देर में कन्वर्ट कर पाता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे मेरा पहला मैच स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी नहीं रुक रहा था, क्योंकि मुझे है ओवर स्वेटिंग का प्रॉब्लम, एंड गर्मी के वजह से मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। एंड उसके ऊपर से मेरे टीममेट पहले मैच के पहले राउंड में ही मेरे सामने 1v4 का सिचुएशन कर देते हैं। एंड मेरे पास यहाँ पे था USP, जिसको लेके मैं एक बंदे को बॉडी शॉट हेडशॉट मार के नॉक तो करता हूँ, बट उसका टीममेट मुझे मार देता है एंड हम लोग पहला ही राउंड हार जाते हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड शुरू होता है केप टाउन के अंदर, जहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैं ग्रेनेड से एक बंदे को नॉक करता हूँ। मेरे पास मिनी यूज ही था, जिसको लेके मैं एक और बंदे पे रश करता हूँ, इसको थोड़ा सा डैमेज देके एकदम इसके सामने चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे वुकोंग बन के इस बंदे को मिनी यूज का हेडशॉट मार के मैं खत्म करता हूँ, हम लोग ये वाला राउंड विक्ट्री कर लेते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड भी हम लोग काफी आराम से विक्ट्री करते हैं, यहाँ पे स्कोर हो जाता है 2-1 का। अभी उसके बाद नेक्स्ट वाले राउंड पे मैं स्नाइपर लेके ये साइड में आ जाता हूँ, जहाँ से एक बंदे को स्पॉट करके मैं 192 का डैमेज देता हूँ। जैसे वो बंदा भागना शुरू करता है एक और गोली मार के उसको नॉक तो करता हूँ, बट उसका टीममेट आ जाता है उसको बचाने। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जाके एक वॉल लगाता हूँ, फिर यहाँ पे ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ, जिससे वो वाला बंदा फिर से नॉक हो जाता है एंड उसका टीममेट अंदर के साइड पे भाग जाता है। इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ अंदर रश करने, एंड यहाँ पे एक डैमेज बंदा मिलता है जिसको मार के डबल किल के साथ मैं ये वाला राउंड विक्ट्री कराता हूँ, यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-1 का। अभी उसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड शुरू हुआ था क्लॉक टावर पे, जहाँ पे एक बंदा ड्रॉप चार्ज करना आता है, जिसको मैं बॉडी मार के काफी आराम से नॉक करता हूँ, दूसरे साइड से उसको कंफर्म ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे वुकोंग बन के नीचे के साइड पे आता हूँ, जहाँ पे एक बंदा ड्रॉप से जैसे ही निकलता है उसको मैं MP5 का हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ, बाकी के बंदों को मेरे टीममेट मार देते हैं। एंड यहाँ पे पहला ही मैच हम लोग काफी आराम से बुइया कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गेम खेलते टाइम रिकॉर्डर यूज करने की वजह से फोन हीट करना शुरू करता है, एंड पंखा ना चलाने के कारण यहाँ पे जो है फोन का हीट मैं कम नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए आगे के 2 मैचेस में रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, बट उसके बाद ये वाला मैच रिकॉर्ड करता हूँ, जहाँ पे मेरा हीरोइक लगने वाला था। अभी ये मैच था नेक्स्टेरा मैप का, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 3-1 से लीड कर रहे थे, एंड यहाँ पे मैं डबल AWM यूज करके सामने के साइड पे एक बंदे को नॉक करता हूँ, उसका टीममेट वहीं पे वॉल लगा के उसको बचा लेता है। अभी यहाँ पे मैं स्नाइपर काफी दिनों के बाद यूज कर रहा था, इसलिए वो बंदा रिवाइव होने के बाद हील भी कर लेता है, लेकिन उतने में मुझे लेफ्ट साइड में एक और बंदा स्पॉट होता है, जिसको मैं एक शॉट कनेक्ट तो करता हूँ, लेकिन स्लो स्विचिंग के कारण ये बंदा भी वॉल लगा के बच जाता है। अभी उतने में मुझे नीचे के साइड पे एक और बंदा स्पॉट होता है, जिसको मैं AWM का एक शॉट कनेक्ट करके नॉक करता हूँ, उतने में मेरे टीममेट बाकी के बंदों को खत्म कर देते हैं। एंड ये वाले मैच को बुइया करने के बाद फाइनली मेरा रैंक डायमंड 4 से अपग्रेड होके हीरोइक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरा बस हीरोइक का 1 स्टार कंप्लीट होता है, एंड मुझे ग्रैंड मास्टर के लिए लिटरली 95 स्टार कंप्लीट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं अपने टारगेट से काफी दूर था, तो मैं यहाँ पे लगातार रैंक पुशिंग करना शुरू करता हूँ, एंड देखते ही देखते अपने इस हीरोइक 1 स्टार के रैंक को मैं 1 स्टार से 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार, फिर 6 स्टार, फिर 7 स्टार, फिर 8 स्टार, फिर 9 स्टार तक कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे हमारा 9 का स्ट्रीक भी बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट वाले गेम पे, जहाँ पे मोबाइल डेटा में खेलने के कारण मेरा बार बार 999 पिंग जा रहा था। एंड यहाँ पे हम लोग 2 बंदे एक साथ खेल रहे थे, बाकी के दोनों रैंडम टीममेट थे, एंड इसीलिए हमारे लिए मैच जीतना ऑलरेडी काफी मुश्किल था। उसके ऊपर से मेरे खराब पिंग के वजह से हम लोग यहाँ पे 2-0 से लीड करने के बाद भी मैच को हार जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे अपना पूरा ट्राई तो करता हूँ, लेकिन पिंग जाएगा तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड देखते ही देखते गंदे पिंग के वजह से यहाँ पे मेरा 9 का स्ट्रीक टूट जाता है। एंड इसके बाद और 3-4 मैच खेलने के बाद मेरा टीममेट भी ऑफलाइन चला जाता है, तो यहाँ पे मेरे साथ खेलने के लिए और कोई नहीं था। एंड इसके बाद मैं ऑफलाइन जाने का सोचता ही हूँ कि मुझे राकेश भाई का इन्वाइट आता है, एंड वो लोग ऑलरेडी 3 बंदे एक साथ खेल रहे थे, तो इसीलिए मैं उनके साथ रैंक पुशिंग करना शुरू कर देता हूँ। अभी पहले ही मैच के अंदर काफी बढ़िया बंदे आ जाते हैं, जैसे कि
मैं यहाँ पे डबल डोर वाले बंदे को मारने जाता हूँ एंड वो बंदा निकिता यूज करके मुझे बहुत सारा डैमेज डील कर देता है एंड यहाँ पे मैं एक मेडिकेट मारता हूँ उतने में बंदा रश भी करता है, निकिता के वजह से ज्यादा हीलिंग भी नहीं मिलता है, लेकिन मैं किसी तरीके से उसको कटाना मार के नॉक करता हूँ एंड ये बंदे को कन्फर्म लेने के बाद हमारे सामने 2v1 का सिचुएशन हो जाता है एंड ये सामने वाला बंदा काफी बढ़िया वन टैप मार रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे कवर फायर यूज कर करके उसको काफी आराम से खत्म कर देता एंड यहाँ पे डबल किल के साथ राउंड विक्ट्री हो जाता है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड हम लोग हार जाते हैं एंड यहाँ पे स्कोर होता है 1-1 का। उसके बाद नेक्स्ट राउंड शुरू होता है कार्टुलिस्टो पे, जहाँ पे मेरे सामने 1v2 का सिचुएशन था, तो मैं यहाँ पे पैराफल लेके एक बंदे के ऊपर रश करने आता हूँ एंड इसको एक बॉडी मारते ये बंदा नॉक हो जाता है। उसके बाद अंदर के साइड पे एक बंदा नॉक था एंड उसका टीममेट उसके सामने ही था, बट वो बंदा अपने टीममेट को बचाने के जगह मेरे ऊपर रश करने आता है, जिसका एडवांटेज लेते हुए मैं यहाँ पे 1v1 का सिचुएशन काफी आराम से हैंडल करके वो बंदे को खत्म कर देता हूँ एंड ये वाले राउंड को विक्ट्री करने के बाद स्कोर हो जाता है 2v1 का। अभी उसके बाद नेक्स्ट वाले राउंड पे मैं सीधा आके वॉल तो लगाता हूँ, बट एक बंदा अंदर घुस जाता है जिसको मैं MP40 का बॉडी मार के खत्म करता हूँ। अभी उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप लूट कर रहा था, ऊपर से एक बंदा जैसे ही नीचे के साइड पे आता है उसको भी मैं MP40 का बॉडी मार के खत्म करता हूँ, बाकी के बंदे को मेरे टीममेट खत्म कर देते हैं। अभी यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-1 का। अभी सामने वाले टीम का एक बंदा हमेशा रोटेशन लेके आ रहा था, तो मैं यहाँ पे एकदम पीछे होल्ड करता हूँ, जैसे ही वो बंदा निकल का आता है उसको मैं ग्लोजा का बॉडी मार के नॉक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे अपने टीममेट को कवर देते हुए एक और बंदे को नॉक करता हूँ। हम लोग ये वाले मैच को काफी आराम से बुया कर लेते हैं, यहाँ पे मेरा स्टार 13-14 हो जाता है। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला गेम शुरू करते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग वाले राउंड पे मैं डबल USP का यूज करके हेडशॉट बॉडी शॉट मार के एक बंदे को नॉक करता हूँ, जिसको नॉक करते ही सामने एक और बंदा दिखता है जिसको भी मैं हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ, लेकिन उतने में ही पहले वाले बंदे को एक बंदा के दिमित्री से रिवाइव देता है। जैसे मैं इनको मारना शुरू करता हूँ ये दोनों मिलकर मुझे खत्म कर देते हैं एंड यहाँ पे नॉक होते होते भी मैंने एक और नॉक तो निकाला था, बट यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही किल मिलता है इस राउंड के अंदर से एंड देखते ही देखते हम लोग ये वाले मैच को भी काफी आराम से बुया कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा 14-15 पे कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला मैच शुरू होता है, यहाँ पे 2-1 का स्कोर चल रहा था एंड यहाँ पे मैं मैक्स 7 लेके रश करके एक बंदे को नॉक करता हूँ, उतने में पीछे से एक और बंदा आ रहा था, तो मैं यहाँ पे एक वॉल लगा के खुद को प्रोटेक्ट करता हूँ एंड जैसे ही बंदा रश करना आता है मैं यहाँ पे वॉल के दूसरे साइड से जाके इसको थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, फिर जंप शॉट मार के इसको नॉक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं काफी ज्यादा डैमेज हो गया था एंड मेरे सामने यहाँ पे 1v1 का ही सिचुएशन था, तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक सुपर मेडिकेट लगा के हील करता हूँ, फिर जैसे ही मुझे फुटस्टेप मिलता है आखिरी वाले बंदे का सामने के साइड से, तो मैं यहाँ पे वॉल फोड़ता हूँ, जैसे ही बंदा सामने दिखता है इसको मैं काफी आराम से मैक्स 7 से ही खत्म करता हूँ, ट्रिपल किल के साथ राउंड विक्ट्री करा देता हूँ एंड यहाँ पे मेरा 15-16 पे कन्वर्ट हो जाता है। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाले गेम पे मैं यहाँ पे डबल USP लेके रश करने आता हूँ, जहाँ पे ऊपर आते ही एक बंदा कटाना लेके रश करने आता है, तो इसको मैं हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ, फिर जल्दी से ये वाले बंदे को कन्फर्म लेके मैं सामने के साइड पे आता हूँ, जहाँ नीचे ही एक बंदा मिलता है जिसको मैं डबल USP का हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ, आखिरी वाला बंदा बचता है। अभी यहाँ पे आखिरी वाले बंदे को भी मैंने स्पॉट कर लिया था, तो मैं यहाँ पे जल्दी से रश करने जाता हूँ इसके ऊपर एंड इसको कटाना से मार के काफी आराम से ट्रिपल किल के साथ राउंड विक्ट्री कराता हूँ। देखते ही देखते ये वाले मैच को भी हम लोग बुया कर लेते हैं। अभी इसके बाद हम लोग रैंक पुशिंग को कंटिन्यू करते हैं, देखते ही देखते मेरे यहाँ पे 24 भी लग जाता है, मतलब ये वाले गेम के बाद मेरा फाइनली यहाँ पे इलाइट हीरोइक कंप्लीट होने वाला था। अभी यहाँ पे मैं ऊपर के साइड पे एक बंदे को डैमेज करता हूँ, फिर नीचे एक बंदे को काफी आराम से नॉक तो करता हूँ, बट ऊपर वाला बंदा यहाँ पे मुझे नॉक कर देता है, लेकिन हमारे टीम से यहाँ पे राकेश भाई और रोहित जिंदा थे, जो कि आखिरी वाले बंदे के ऊपर रश करके उसको भी खत्म कर देते हैं। देखते ही देखते हम लोग ये मैच को भी बुया कर लेते हैं एंड यहाँ पे ये मैच के अंदर MVP तो राकेश भाई ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा 24-25 पे कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ पे मेरा हीरोइक रैंक इलाइट हीरोइक पे अपग्रेड हो जाता है। अभी यहाँ तक डायमंड 4 से इलाइट हीरोइक तक पहुंचने में मुझे टाइम भी ज्यादा नहीं लगा था एंड गेम में भी दिमित्री सोनिया के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसके बाद गरीना को ये सहन नहीं होता है कि एक मोबाइल प्लेयर आराम से रैंक पुशिंग करे, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे तीसरे गेम पे हमारे गेम में जो है जादूगर आना शुरू होते हैं एंड लिटरली में अभी के टाइम पे इनको मारना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आप लोग 4 बंदे मिलके इन जादूगर के ऊपर चढ़ के इसको अगर खत्म कर देते थे तो उसके बाद राउंड विक्ट्री करना इजी हो जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे क्या हुआ है, अगर आप लोग मिलके भी इसको नॉक कर देते हो तो एक बंदा आके दिमित्री लगाएगा तो वो रिवाइव हो जाएगा, फिर से अगर नॉक करोगे तो एक और बंदा आके दिमित्री लगाएगा एंड वो फिर से रिवाइव हो जाएगा एंड उसके ऊपर से जादूगर के साथ एक और बंदा घूमता रहता है काशी और कपिला लेके, जो कि कंटिन्यूअसली उसको हील भी करता रहता है, मतलब लिटरली में अभी के टाइम पे अगर ये बंदे आ गए मतलब आपका रैंक माइनस होना श्योर है। तो इसलिए मुझे ये तो पता था कि मैं यहाँ पे मैच को बुया नहीं कर सकता हूँ, इसलिए पहले राउंड के अंदर जब ये जादूगर का जादू ऑन नहीं होता है तो मैं जल्दी से जाके 1-2 किल उठाने का ट्राई करता हूँ, जिससे क्या होता था स्टार प्रोटेक्शन के वजह से यहाँ पे मेरा रैंक माइनस नहीं होता था एंड मेरा यहाँ पे स्टार बच जाता था। जैसे कि ये वाले मैच के अंदर ही मैं यहाँ पे पहले ही राउंड पे ट्रिपल किल निकाल लेता हूँ, उसके बाद हमारे जादूगर भैया जादू तो ऑन कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट वाले राउंड पे मैं यहाँ पे ओरियन बन के जादूगर को ही पहले नॉक करता हूँ, उसके बाद ये वाला राउंड हम लोग विक्ट्री भी करते हैं एंड यहाँ पे मेरा ट्रिपल किल फिर से निकल जाता है।
अभी उसके बाद मुझे लग रहा था कि हम लोग किसी तरीके से ये मैच को बुइया कर सकते हैं, लेकिन ये वाले राउंड के अंदर मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, फिर दूसरा वाला बंदा जैसे ही रश करना आता है उसको भी मैं नॉक कर देता हूँ, एंड फिर मैं यहाँ पे ओरियन बन के एक और बंदे के ऊपर रश करने तो जाता हूँ, लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता था एंड वो बंदा यहाँ पे मुझे मार के खत्म कर देता है। बट ये मैच में हो जाता है फनी सीन, यहाँ पे हमारी टीम से एक बंदा ऑफलाइन था एंड यहाँ पे स्टार प्रोटेक्शन के वजह से मेरा माइनस तो नहीं होता है, लेकिन प्रोटेक्शन पॉइंट के वजह से मेरा एक स्टार प्लस हो जाता है। मतलब यहाँ पे लिटरली मैच हार के भी मेरा रैंक प्लस हो जाता है। अभी अगर आप में से भी किसी का ऐसा सिचुएशन हुआ था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी यहाँ तक रैंक पुशिंग के लिए मैं जो है ओरियन कैरेक्टर को यूज कर रहा था, लेकिन वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। मैं यूज करना शुरू करता हूँ तात्सुया, ऑथो, दाशा एंड अल्वारो कैरेक्टर का। अभी ये कॉम्बिनेशन यूज ऐसे हो रहा था कि मैं ग्रेनेड का यूज करके काफी आराम से एक या फिर दो बंदे को राउंड के स्टार्टिंग में ही नॉक कर देता था एंड नॉक करते ही उसके आसपास जो भी बंदा रहता था उसके ऊपर मार्क आ जाता था, प्लस वो मार्क वाले बंदे का मूवमेंट स्पीड भी स्लो होता था एंड मेरे पास यहाँ पे दाशा के वजह से एक्स्ट्रा मूवमेंट स्पीड एंड रेट ऑफ फायर आ जाता था एंड साथ ही में ही जल्दी से रश करने के लिए मेरे पास तात्सुया भी था। एंड ये कॉम्बिनेशन के साथ पहले ही मैच के पहले ही राउंड पे मैं यहाँ पे ट्रिपल किल के साथ राउंड विक्ट्री करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाले राउंड पे एक बंदे को मैक्स 7 से नॉक करने के बाद आखिरी वाले बंदे का पोजीशन पता चलता है तो उसको भी मैं काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट वाले राउंड पे मेरे टीममेट पे एक बंदा रश करने आता तो मैं यहाँ पे ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ। जैसे ही ग्रेनेड फटता है वो बंदा तो नॉक होता है, साथ ही में दाशा चार्ज हो जाती है एंड दूसरा वाला बंदा जैसे ही सामने आता उसको मैं दाशा के हेल्प से काफी आराम से नॉक करता हूँ। फिर आखिरी वाले बंदे पे रश करके ट्रिपल किल के साथ ये राउंड भी विक्ट्री करा देता हूँ। अभी उसके बाद हम लोग दो राउंड हार तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3-2 का स्कोर ऑलरेडी हो गया था एंड ये पोचिनोक वाले राउंड के अंदर चारों बंदे ये डबल डोर के अंदर कैंप कर रहे थे एंड एक बंदे को यहाँ पे मैं ग्रेनेड से नॉक करते ही सीधा इन बंदों के ऊपर रश करने आता हूँ। अभी यहाँ पे आते ही मैं एक और बंदे को नॉक करता हूँ, फिर जल्दी से घुस के एक और बंदे को नॉक कर देता हूँ, बट आखिरी वाला बंदा मुझे तो नॉक करता है लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे रश करके उसको खत्म कर देता है एंड ये वाले मैच को बुइया करने के बाद यहाँ पे मेरा 37 स्टार सीधा 39 स्टार पे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ तक मैंने इतना अच्छा गेम प्ले करके भी क्वाड्रा किल नहीं निकाला था, लेकिन ये वाले मैच के अंदर एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वाड्रा किल निकल जाता है। तो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में हम दोनों होल्ड कर रहे थे। अभी यहाँ पे ये ब्लू कंटेनर के इधर एक बंदा जैसे ही आता है मैं ग्रेनेड से उसको नॉक करता हूँ, ऑथो से और दो बंदे के ऊपर मार आता है तो यहाँ पे मैं सीधा कटाना लेके चढ़ के दोनों को हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ, फिर आखिरी वाले बंदे के ऊपर चढ़ के उसको भी हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ एंड लिटरली यहाँ पे कुछ सेकंड के अंदर मैं पूरा स्क्वाड वाइप आउट कर देता हूँ एंड देखते ही देखते हम लोग ये मैच को बुइया करते हैं एंड यहाँ पे मेरा 42 स्टार सीधा 44 स्टार पे कन्वर्ट हो जाता है। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाले मैच में और भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सा सिचुएशन हो जाता है। तो यहाँ पे स्कोर था 2-3 का एंड देखते ही देखते मेरे दो रैंडम टीममेट मर जाते हैं एंड यहाँ पे रोहित दो बंदे को नॉक करके खुद भी नॉक हो जाता है। अभी यहाँ पे मेरे पास कोई शॉर्ट रेंज का गन नहीं था तो मैं इन दोनों को कन्फर्म लेने का ट्राई करता हूँ, बट उतने में बाहर से एक बंदा दिमित्री लगाता है एंड ये दोनों बंदे एक साथ रिवाइव हो जाते हैं। बट यहाँ पे मैं जो किसी तरीके से M41 से इन दोनों को नॉक करके जल्दी से कन्फर्म करता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे हील करने का ट्राई तो करता हूँ, बट बाहर वाला बंदा जैसे ग्रेनेड मारना शुरू करता है मैं यहाँ पे वॉल लगा के उसका ग्रेनेड डॉच कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे रैंडमली एक ग्रेनेड उठा के यहाँ पे बाहर के साइड पे फेंकता हूँ क्योंकि लूट बॉक्स में एक और ग्रेनेड था एंड मेरा ये रैंडम सा ग्रेनेड जाके बाकी के दोनों बंदों को खत्म करता है एंड यहाँ पे मेरा क्वाड्रा किल निकल जाता है। अभी यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-3 का, लेकिन बुइया करने के लिए हमें नेक्स्ट वाला राउंड भी जीतना था एंड यहाँ पे राउंड के स्टार्टिंग में ही मैं एक बंदे को यहाँ पे MP5 से नॉक करता हूँ, जल्दी से फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ। उतने में मेरे टीममेट बाकी के बंदों को खत्म करता है, यहाँ पे आखिरी वाला बंदा बचता है जिसको थोड़ा सा डैमेज करते वो बंदा यहाँ पे सीधा घर के ऊपर भागना शुरू करता है एंड यहाँ पे बंदे ने 2-3 वॉल लगा दिया था तो मैं यहाँ पे रैंडमली एक ग्रेनेड उठा के ऊपर फेंकता है, ये बंदा फिर से ग्रेनेड से मर जाता है एंड हम लोग ये वाले मैच को बुइया करते हैं जहाँ पे मेरा 44 स्टार 45 स्टार पे कन्वर्ट होता है। उसके बाद और थोड़े से मैचेस खेलने के बाद मैं फाइनली 49 स्टार कंप्लीट कर लेता हूँ। मतलब अभी नेक्स्ट वाला मैच अगर मैं बुइया कर लेता हूँ तो मेरा यहाँ पे मास्टर रैंक कंप्लीट होने वाला था। तो ये मैच को मैं काफी ज्यादा सीरियसली खेलना तो शुरू करता हूँ, लेकिन हम लोग पहला ही राउंड हार जाते हैं। अभी दूसरे वाले राउंड पे मेरे पास था मिनी उजी जिसको लेके मैं एक बंदे को हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ, जल्दी से फिनिश करता हूँ। फिर बाकी के बंदे नीचे थे तो मैं यहाँ पे जल्दी रश करके एक बंदे को नॉक करता हूँ, बट दिमित्री से दो बंदे यहाँ पे रिवाइव हो जाते हैं जिनमें से दोनों को ही मैं यहाँ पे नॉक तो करता हूँ, लेकिन बंदे यहाँ पे बार बार रिवाइव हो रहे थे एंड इनके टीम का जो आखिरी बंदा था वो दूसरे साइड से घूम के मुझे नॉक करता है एंड मेरे टीममेट के सामने यहाँ पे 1v1 का सिचुएशन था, लेकिन ये बंदा ऑलरेडी हाइट पकड़ लेता है तो मेरे टीममेट को भी ये मार देता है एंड हम लोग ये वाले राउंड को भी हार जाते हैं। अभी यहाँ पे स्कोर हो जाता है 2-0 का, तो मुझे यहाँ पे समझ आ जाता है मुझे ही किसी तरीके से यहाँ पे कमबैक कराना पड़ेगा, इसलिए नेक्स्ट वाले राउंड पे थोड़ा सा होल्ड करके एक बंदा जैसे ही रश करना आता है इसको मैं हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ। अभी ये बंदे को कंफर्म लेते ही एक और बंदा रश करना आता है जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, जैसे ही ये ऊपर आता है इसको भी मैं नॉक कर देता हूँ। अभी उसके बाद दाशा चार्ज थी तो मैं यहाँ पे तात्सुया मार के एक बंदे को हेडशॉट से नॉक करता हूँ, फिर दूसरा तात्सुया मार के एक और बंदे पे रश करके उसको भी खत्म करके यहाँ पे क्वाड्रा किल निकाल लेता हूँ एंड यहाँ से हम लोग कमबैक करना शुरू तो
करते हैं, लेकिन देखते ही देखते ये मैच हो जाता है 3-3 का। अभी ये वाले राउंड के स्टार्टिंग में ही मुझे एक बंदा डैमेज करता है तो मैं उसको ग्रोजा से मार के उसका सोनिया तो एक्टिव कराता हूँ, बट वो बंदा भी मुझे नॉक कर देता है। लेकिन मेरा रैंडम टीममेट यहाँ पे अंधा घुस गया था तो वो यहाँ पे मेरा पहला किल कंफर्म कराता है, मेरा टीममेट यहाँ पे मुझे रिवाइव देता है। अभी यहाँ पे रिवाइव होने के बाद मैं पीछे के साइड पे आता हूँ जहाँ से मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है, जिसको भी मैं काफी आराम से ग्रोजा का बॉडी मार के नॉक करता है। यहाँ पे मेरा दूसरा किल सिक्योर हो जाता है। फिर बाकी के बंदे सामने के साइड पे थे जिनके साथ मेरे रैंडम टीममेट फाइट कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे सामने आके एक और बंदे को ग्रोजा का बॉडी मार के नॉक करता हूँ। आखिरी वाले बंदे के ऊपर ऑथो का मार्क आता है तो मैं यहाँ पे परफेक्ट ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ, जिससे बंदे को डैमेज आता है। बंदा जैसे ही यहाँ पे पीक देता है उसको मार के मैं यहाँ पे एक ही मैच के अंदर 2 क्वाड्रा किल निकाल लेता हूँ। एंड इसी के साथ हम लोग ये मैच को बुआ करते हैं जहाँ पे मैंने टोटल 12 किल निकाले थे, एंड इसी मैच के अंदर मैं 2 क्वाड्रा किल निकालता हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे मेरा इलाइट हीरोइक का 49 स्टार अपग्रेड होकर 50 स्टार होता है, मतलब यहाँ पे मेरा मास्टर रैंक कम्प्लीट हो जाता है। एंड एक बार मास्टर रैंक कम्प्लीट होने के बाद तो मैं खतरनाक से खतरनाक क्लच सिचुएशन को भी काफी आराम से हैंडल कर रहा था, जैसे कि ये मैच में मेरे सामने 1v4 का सिचुएशन हो जाता है। अभी यहाँ पे सामने ही 3 बंदे मेरे टीममेट को नॉक करके फिनिश कर रहे थे तो वहां पे मैं ग्रेनेड मार के 3 बंदे को नॉक करता हूँ। आखिरी बंदा रश करती उसको मैं कटाना से कम्प्लीट करके क्वाड्रा किल निकाल लेता हूँ। वहीं पे नेक्स्ट वाले मैच में मेरे सामने 1v3 का सिचुएशन था, एंड उसके ऊपर से सामने वाले बंदे पे शॉर्ट रेंज का गन था एंड मेरे पास सिर्फ डेजर्ट ईगल था। अभी यहाँ पे सामने ही एक बंदा नॉक था तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, जैसे ही उसका टीममेट आता है मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ, जिससे वो बंदा कंफर्म होता है एंड उसका टीममेट नॉक हो जाता है। एंड यहाँ पे नॉक बंदे को कंफर्म करके मैं ऊपर के साइड पे आता हूँ जहाँ पे एक बंदा थॉमसन लेके रश करता है, तो उसको मैं डेजर्ट का बॉडी मार के नॉक करके उससे थॉमसन लेता हूँ। आखिरी बंदे को हाइट एडवांटेज से मारते हुए काफी आराम से 1v3 सिचुएशन को हैंडल कर लेता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं ग्रेनेड से किस तरीके से परफेक्ट क्लचेस निकाल रहा था। तो मैं क्या करता था, ग्रेनेड लेके अपने टीममेट से थोड़ा सा पीछे आके होल्ड करता था, एंड जैसे ही कोई भी एनिमी मेरे टीममेट के ऊपर रश करने आता था मैं परफेक्ट ग्रेनेड कुक करके फेंक देता था। जैसे कि ये वाले मैच के अंदर ही देखो, पहला ही राउंड था एंड मेरे टीममेट पे जैसे ही 3 बंदे रश करने आते हैं मैं यहाँ पे ग्रेनेड को परफेक्टली कुक करके फेंकता हूँ, जिससे 3 बंदे नॉक हो जाते हैं। उसके बाद मैं जल्दी से उनका किल कन्फर्म करके उसके लूट बॉक्स से G18 उठाता हूँ एंड आखिरी बंदे को G18 से कन्फर्म करके काफी आराम से क्वाड्रा किल निकाल लेता हूँ। लेकिन इसके बाद गरीना को कुछ ज्यादा ही प्यार आ जाता है हमारे रैंक पुशिंग से, एंड वो हर दूसरे मैच में जादूगर भेजना शुरू करता है। लेकिन ये बात तो था कि किसी मैच में अगर जादूगर आता था वहां पे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन जिस मैच में जादूगर नहीं आता था उस मैच में मैं गुस्सा निकाल रहा था। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं तात्सुया मार के जल्दी से रश करके एक बंदे को मैक्स 7 से नॉक करता हूँ, बाकी के 3 बंदे सामने के साइड पे थे तो मैं यहाँ पे जल्दी से रश करके मैक्स 7 का पूरा स्प्रे भर के इनको काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था कि बस रैंक पुशिंग में जादूगर के वजह से ही हम लोग मैच हार रहे थे, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता था कि सामने आ जाते थे ये 2 कैरेक्टर वाले बंदे एंड लिटरली मैं काफी अच्छे खासे क्लच सिचुएशन को किस तरीके से खराब करते हैं कोई इन कैरेक्टर यूजर्स से सीखे। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं परफेक्ट ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ जिससे 2 बंदे नॉक होते हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ किल कंफर्म करने, लेकिन ये दोनों बंदे ऑलरेडी दिमित्री से रिवाइव हो जाते हैं तो मैं जल्दी से उनको कटाना से नॉक करता हूँ। उसके बाद आखिरी वाला बंदा बचा हुआ था एंड मेरा टीममेट यहाँ पे बोलता है कि वो एक गोली का है, जिसको मारने के चक्कर में यहाँ पे हम लोग राउंड हार जाते हैं। लेकिन यहाँ तक इतने सारे मैच खेलते खेलते मेरा ग्रेनेड का परफेक्शन भी काफी अच्छा हो गया था। जैसे कि ये मिल वाले राउंड पे देखो, मैं परफेक्टली कुक करके ग्रेनेड ऊपर से फेंकता हूँ एंड 2 बंदे नॉक हो जाते हैं। अभी उसके बाद जल्दी से रश करके मैं एक और बंदे को नॉक करता हूँ, बट उसने अपने एक और टीममेट को रिवाइव कराया था, जिसको मेरा टीममेट नॉक कर देता है। एंड आखिरी वाला बंदा सामने से भाग रहा था तो उसको मार के मैं यहाँ पे ट्रिपल किल कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ तक ज्यादातर मैच में मैं और रोहित रैंडमली खेल रहे थे। अभी उतने में क्या होता है, रैंडमली हमारे टीम में पैराडॉक्स भाई आते हैं, जो की मेरे ही सब्सक्राइबर थे, जो की रैंडमली हमारे टीम में आ जाते हैं एंड उनके साथ पहले मैच को हम लोग काफी आराम से बुआ कर लेते हैं। अभी उसके बाद यहाँ पे हम लोग टीम बना के एक साथ खेलना तो शुरू करते हैं, लेकिन पहले ही मैच में काफी गंदा सीन हो जाता है, क्योंकि पहले ही मैच के अंदर हमारे सामने यहाँ पे जादूगर आता है, जो कि लिटरली 8-10 वॉल के आर पार मार के हमें कंफर्म कर रहा था एंड ये वाले मैच को हम लोग हार ही जाते हैं। अभी उसके बाद मैं सोचता हूँ अगर हम लोग स्क्वाड बना के खेल ही रहे हैं तो मैं यहाँ पे रश छोड़ के स्नाइपिंग करता हूँ, एंड पहले ही मैच के अंदर क्या ही तो भयंकर स्नाइपिंग होता है। तो यहाँ पे राउंड के स्टार्टिंग में ही एक बंदे को मैं ओम का हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ, फिर उसका टीममेट रिवाइव कराने आता है तो उसको भी डैमेज कर देता हूँ, एंड उसके बाद बंदा एक और बार निकलता है तो मैं उसको भी काफी आराम से नॉक करता हूँ। फिर यहाँ पे
पैराडॉक्स भाई के सामने एक बंदा था जिसको मैं काफी आराम से नॉक करके आखिरी बंदे को MP5 से खत्म करता हूँ, क्वाड्रा किल निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-3 का। अभी उसके बाद नेक्स्ट वाले राउंड पे मैं MP5 से बॉडी मार के एक बंदे को नॉक करता हूँ एंड मिड रेंज में एक बंदे को AWM कनेक्ट करने के बाद मैं जल्दी से रश करने आता हूँ। दोनों बंदों को काफी आराम से MP5 का बॉडी का पूरा स्प्रे मार के खत्म करता हूँ, ट्रिपल किल के साथ ये राउंड को विक्ट्री करा देता हूँ। अभी इसके बाद मेरा चार्ज खत्म हो गया था तो मैं चार्ज करने जाता हूँ। चार्ज करके आने के बाद मुझे कोई टीममेट नहीं मिलता है तो मैं रैंडमली खेलना शुरू करता हूँ एंड हाँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ मैं चार्ज कर रहा था पावर बैंक से, तो कमेंट में आके कोई ये मत बोलना कि बिना बिजली के चार्ज कैसे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे पहले ही मैच में काफी ज्यादा फनी सीन हो जाता है तो सामने वाले टीम पे एक जादूगर आता है जो कि पहले ही राउंड पे क्वाड्रा किल मार देता है। तो इसके बाद मैं ये सोच लेता हूँ कि हमारा ये वाला मैच तो गया, लेकिन नेक्स्ट वाला राउंड जैसे ही शुरू होता है मुझे पता चलता है रैंडमली मेरे टीम में भी एक जादूगर आ गया है एंड यहाँ पे मैच हो जाता है जादूगर वर्सेस जादूगर का। बाकी मेरे टीम वाले जादूगर ने शायद थोड़ा सा प्रीमियम वाला प्लान लिया था तो वो यहाँ पे सामने वाले जादूगर को काफी आराम से खत्म करके हमें मैच बुइया करा देता है एंड आखिर में जाते जाते तो सामने वाला जादूगर मारना भी बंद कर देता है। तो यहाँ पे आखिरी राउंड चल रहा था एंड सामने वाला जादूगर मेरे सामने आ जाता है तो उसको मैं ग्रोजा का हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ। एंड अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ पे मैं जादूगर के साथ जानबूझ के खेल रहा था या फिर मेरे टीम में लेके खेल रहा था तो वो लोग यहाँ पे एनिमेशन में देख लो, हमारे मैच का यहाँ पे MVP बनता है जो रैंडमली जादूगर आया था एंड यहाँ पे अगर मैं उसको टीम में लेके खेलता तो ऊपर ग्रुप वाला आइकन आता जो कि नहीं आया था। एंड इसके बाद मैं रैंडमली खेलना शुरू करता एंड मेरे साथ 2-3 बार ऐसा सिचुएशन होता है कि मेरे टीम में ही जादूगर आके मैच बुइया करा रहा था। एंड ये जो मैच था ये तो और भी ज्यादा फनी था क्योंकि मेरे टीम में जो जादूगर आया था वो रैंडमली मेरे से पूछ रहा था कि 500 रुपए दे दो मैं तुम्हारा ग्रैंड मास्टर लगा देता हूँ। मतलब लिटरली भाई 500 रुपए में ग्रैंड मास्टर पुशिंग चल रहा है। बाकी ये वाले मैच को भी मेरा जादूगर काफी आराम से बुइया करा देता है एंड मैं रैंडमली ही खेलना शुरू कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद राकेश भाई के इन्वाइट आता है तो मैं उनके साथ पहला मैच शुरू करता हूँ जहाँ पे मेरे टीम में भी जादूगर आता है एंड सामने वाले टीम पे भी जादूगर आ जाता है एंड हमारे टीम वाले जादूगर ने यहाँ पे 3-1 का स्कोर भी काफी इजीली कर लिया था। लेकिन उसके बाद शायद हमारे वाले जादूगर का रिचार्ज खत्म हो जाता है क्योंकि पता नहीं कैसे 3 राउंड जीतने के बाद मेरा जादूगर मारना बंद कर देता है एंड सामने वाला जो जादूगर था वो लगातार राउंड्स को जीत के कमबैक करा देता है। एंड यहाँ पे मुझे और राकेश भाई को लग तो रहा था कि हम लोग मैच जीत जाएंगे लेकिन सामने वाला जादूगर यहाँ पे कमबैक करा के मैच जीत जाता है। खैर इसके बाद मैं रैंक पुशिंग को कंटिन्यू करता एंड देखते ही देखते मेरे यहाँ पे 87 स्टार हो जाता है एंड ग्रैंड मास्टर लग रहा था 95 स्टार में। मतलब मुझे अभी ग्रैंड मास्टर के लिए सिर्फ 8 स्टार चाहिए था तो मैं यहाँ पे रैंडमली मैच स्टार्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो शायद गड़ीना भी मजे लेने लगती है क्योंकि यहाँ पे मैं रैंडमली मैच स्टार्ट करता हूँ एंड सामने के टीम पे कोई जादूगर नहीं आता है तो ये वाला मैच स्टार्ट नहीं होता है। एंड यहाँ पे मैच बैक होने के बाद मैं नेक्स्ट वाला गेम शुरू करता हूँ जहाँ पे सामने वाले टीम पे जादूगर आता है एंड ये वाला मैच स्टार्ट भी होता है, पूरा खेलना भी पड़ता है एंड हम लोग हार भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से मेरा रैंक तो माइनस नहीं होता है। उसके बाद मैं एक और मैच खेल के 88 स्टार कम्प्लीट करता हूँ। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट वाला गेम शुरू करता हूँ फिर से सामने जादूगर आ जाता है एंड यहाँ पे मेरा प्रोटेक्शन पॉइंट ज्यादा नहीं था तो मैं यहाँ पे स्टार प्रोटेक्शन को टारगेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा किल निकालने का ट्राई करता हूँ। इसलिए पहले ही राउंड के अंदर मैं कटाना लेके रश करके 2 बंदे को मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद हमारे जादूगर भैया सामने से 2 राउंड जीत के जाते हैं वाल के आर पार मार मार के। अभी ये मिल वाले राउंड के बाद राउंड शुरू होता है पीक के अंदर जहाँ पे स्टार्टिंग में ही मेरे तीनों टीममेट मर गए थे बट यहाँ पे बंदे थे अंदर के साइड पे तो मैं एक परफेक्ट ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ जिससे 2 बंदे नॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद जल्दी से रश करके मैं यहाँ पे Mac7 का बॉडी भर के एक और बंदे को नॉक करता हूँ, यहाँ पे वॉल लगा देता हूँ जिससे बाकी का बंदा जोन में ही एलिमिनेट हो जाता है एंड यहाँ पे मेरा ट्रिपल किल निकल जाता है। लेकिन ये मैच में लिटरली मेरे टीम में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, जैसे कि नेक्स्ट वाले राउंड पे सारे बंदे एक एक करके रश करते हैं जिस वजह से हम लोग राउंड हार जाते हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट वाले राउंड पे मैं एक बंदे को मार के फिनिश करता हूँ, फिर यहाँ पे हमारे सामने 2v2 का सिचुएशन था एंड यहाँ पे Mac7 से मैं एक बंदे को डैमेज करता हूँ, मेरा किल चोरी हो जाता है एंड उसके बाद जादूगर भैया मुझे मारने के चक्कर में ऑथो में फंस जाता है, मेरा टीममेट यहाँ पे उसको मार के खत्म कर देता है। अभी यहाँ पे स्कोर 3-3 का हो गया था तो नेक्स्ट वाले राउंड पे हम लोग टारगेट करते हैं पहले इसी बंदे को मारने का एंड मेरा एक टीममेट यहाँ पे उसको नॉक भी कर देता है बट उसके बाद कहाँ पे नॉक किया है लोकेशन ही नहीं बताता एंड वो बंदा यहाँ पे एक एक करके हम सबको मार देता है, हम लोग ये वाला मैच हार जाते हैं। एंड लिटरली ये वाला मैच हारने के बाद लग रहा था कि CS रैंक पुशिंग बंद करके फिर से BR खेलने का, बट फिर भी मैं सोचता हूँ अगर चैलेंज ले लिया है तो कम्प्लीट कर ही लेते हैं, सिर्फ 7 ही स्टार चाहिए। लेकिन लिटरली ये 7 स्टार के लिए गड़ीना का मैच मेकिंग एकदम रुलाने वाला हाल कर देता है। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग अच्छा होता है एंड लगातार 3 मैच को हम लोग काफी इजीली जीत जाते हैं एंड सामने भी अच्छे खासे प्लेयर आ रहे थे जो कि दिमित्री सोनिया यूज कर रहे थे बट कम से कम वो लोग जादूगर लेके नहीं खेल रहे थे तो हम लोग किसी तरीके से मैच को बुइया कर रहे थे। जैसे कि ये वाले मैच को हम लोग 3-3 तक ले जाने के बाद भी मैच को बुइया करते हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट वाले मैच पे तो और भी गंदा सिचुएशन था, तो यहाँ पे सामने वाली टीम 1-2 से लीड कर रही थी एंड यहाँ पे मेरे टीम में एक एक करके जाके मर जाते। तो यहाँ पे मैं AWM के एक शॉट कनेक्ट करके एक बंदे को डैमेज करता हूँ, फिर यहाँ पे फ्लैश फ्रीज
फेंकता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे बिना सोचे समझे मैं सीधा बाइजन लेके घुस जाता हूँ। अभी यहाँ पे आने के बाद एक बंदे को नॉक करता है, मेरा हेल्थ यहाँ पे काफी कम था लेकिन फिर भी रिस्क लेके मैं यहाँ पे दाशा बाइजन से बाकी के तीनों बंदों को मार के कुछ सेकंड के अंदर ही क्वाड्रा किल निकाल लेता हूँ। एंड ये वाले मैच को बुइया करने के बाद मेरा 91 स्टार कंप्लीट होता है, साथ ही में 3 का स्ट्रीक भी बन जाता है। एंड यहाँ पे मैं लिटरली सोच रहा था कि मैं इसी स्ट्रीक को कंटिन्यू करते हुए ग्रैंड मास्टर रैंक को अचीव करूंगा, लेकिन इसके बाद लगातार 3 मैच में हैकर आता है, लिटरली बंदे 68 लेवल के आईडी में भी हैक लगा लगा के खेल रहे थे। ऐसे ही मैं यहाँ पे लगातार 2 मैच हैकर के सामने हार जाता हूँ एंड मेरा रैंक यहाँ पे माइनस होके फिर से 90 स्टार पे आ जाता है। अभी उसके बाद नेक्स्ट वाले गेम पे भी हैकर आता है लेकिन यहाँ पे मैं पहले राउंड पे ही क्वाड्रा किल कर देता हूँ जिसके वजह से मुझे स्टार प्रोटेक्शन मिलने ही वाला था। एंड एक और राउंड पे मैं यहाँ पे फार्मास का बॉडी भर के क्वाड्रा किल निकाल ही लिया था। सो ये वाला राउंड शुरू हुआ था रिमनाम विलेज पे एंड एकदम इस साइड पे आके मैं स्कोप ऑन ऑफ करके मारना शुरू करता एंड एक बंदा वॉल लगाता है बट उसका वॉल फोड़ के मैं उसको नॉक करके जल्दी से कंफर्म करता हूँ। फिर दूसरी साइड से एक और बंदा आता है तो उसको भी मैं यहाँ पे बॉडी मार के नॉक करता एंड जल्दी से कंफर्म करता हूँ। इसको मार के मैं नीचे आता हूँ, नीचे भी एक बंदा मिलता है जिसको मैं नॉक करता हूँ लेकिन इसके बाद आखिरी बंदा हैकर बचा हुआ था जो कि एक एक करके मेरे सारे टीममेट को मारता एंड इसको मैं जैसे ही मारने जाता हूँ बंदा एक ओम के शॉट पे मुझे खत्म कर देता है। एंड यहाँ पे मैं लगातार 3 मैच हार जाता हूँ। अभी ये मैच के अंदर मैंने एनफ किल किया था तो मुझे स्टार प्रोटेक्शन मिल जाता है एंड इसके बाद और मन नहीं कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी देर से खेल रहा था। इतना खेलने के बाद अगर लगातार हैकर के वजह से रैंक माइनस होगा तो किसको ही खेलने का मन करता है। बट फिर भी यहाँ पे मैं मैच स्टार्ट करता हूँ एंड लकीली सामने वाले टीम पे कोई हैकर नहीं आता है। एंड ये वाले मैच में मैं ग्रेनेड से एक बंदे को स्टार्टिंग में ही नॉक करके जल्दी से रश करने आता हूँ। अभी यहाँ पे ड्रॉप में मुझे साइथ मिलता है जिससे मैं एक और बंदे को नॉक करता हूँ। फिर एक बंदा दिमित्री लगाता है तो मैं जल्दी से इनको नॉक करके फिनिश लेता एंड आखिरी वाला बंदा अंदर के साइड पे बचा था तो तात्सुया मार के उस पर रश करके उसको भी खत्म कर देता हूँ। एंड इसके बाद तो पूरे मैच को हम लोग डोमिनेट कर ही लेते हैं एंड आराम से 4-0 से ये वाले मैच को बुया कर लेते हैं। अभी ये वाले मैच के बाद मेरे टीममेट ऑफलाइन जाता है तो मैं यहाँ पे रैंडम खेलना शुरू करता है। रैंडमली मेरे टीम में एक हैकर आता है जो कि आराम से मैच बुया करा देता है एंड यहाँ पे मेरा रैंक प्लस होके 91 स्टार से 92 स्टार हो जाता है। फिर नेक्स्ट वाला गेम शुरू करता हूँ जहाँ पे ना मेरे टीम पे कोई हैकर था ना ही सामने वाले टीम पे एंड इस मैच में मैं डबल बैरल को हैकर के तरह चलाना शुरू करता हूँ। सो यहाँ पे ये वाले राउंड पे मैं 1v3 सिचुएशन को डबल बैरल से काफी आराम से हैंडल कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ट्रिपल किल के साथ राउंड विक्ट्री कराने के बाद नेक्स्ट वाला राउंड शुरू होता है जहाँ पे एक बंदा ड्रॉप चार्ज कर रहा था तो हम 2 बंदे एक साथ रश करने आते हैं बट मेरा टीममेट यहाँ पे स्टार्टिंग में ही नॉक दे देता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पहले इस बंदे को नॉक करता एंड इसके पीछे इसका टीममेट भी था तो मैं उसको भी नॉक कर देता हूँ एंड ये वाले राउंड को भी हम लोग काफी आराम से विक्ट्री कर लेते हैं। अभी उसके बाद स्कोर हो गया था 3-2 का एंड इस वाले राउंड पे मैं यहाँ पे ट्रॉगन चलाना शुरू करता हूँ। अभी यहाँ पे ट्रॉगन का बॉडी भर के मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, फिर एक और बंदा नीचे के साइड पे था एंड नीचे आके मैं इसको थोड़ा सा डैमेज करता हूँ। फिर ये बंदा जैसे ही मारने जाता है मैं तात्सुया से इसका गोली डॉच करता हूँ, फिर एक और तात्सुया मार के इसके मुंह के सामने जाके इसको मार के खत्म करता है एंड आखिरी वाले बंदे को मेरा टीममेट मारता है एंड ये वाले मैच को बुया करने के बाद 92 स्टार 93 स्टार पे कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला मैच शुरू होता है एंड यहाँ पे बस 2 ही स्टार चाहिए था तो मैं एकदम सीरियस खेल रहा था एंड यहाँ पे राउंड के स्टार्टिंग में ही मैं एक बंदे को मैक्स 7 का बॉडी मार के नॉक करता हूँ। फिर दूसरे साइड से घूम के जब तक आता हूँ मेरे सारे टीममेट नॉक हो गए थे बट यहाँ पे आके मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ एंड जल्दी से फिनिश करता हूँ। फिर आगे के साइड पे 2 बंदे थे तो मैं ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ जिससे एक बंदा नॉक होता है एंड दूसरा बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है। अभी ये बंदे को मैं मैक्स 7 से काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ तो यहाँ पे एक वॉल लगा के सीधा इसके ऊपर रश करने जाता है एंड काफी आराम से क्वाड्रा किल निकाल लेता हूँ। एंड फाइनली ये वाले मैच को बुया करने के बाद मेरा 94 स्टार कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाले मैच को भी हम लोग काफी आराम से बुया करते हैं एंड हमारा फाइनली यहाँ पे 95 स्टार कंप्लीट हो जाता है। एंड यहाँ पे ये सब एनिमेशन खत्म करके मैं जैसे ही लॉबी में आता हूँ फाइनली इतनी मजदूरी के बाद मेरा ग्रैंड मास्टर 3 कंप्लीट हो जाता है। एंड मैं बता रहा हूँ पिछले 6 रैंक सीजन में से मैंने शायद 4 या 5 बार ग्रैंड मास्टर कंप्लीट किया है सीएस रैंक पे एंड जिस टाइम पे सोनिया दिमित्री का मेटा सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा था वहां पे भी मैंने काफी आराम से ग्रैंड मास्टर लगाया था। लेकिन ये वाला सीजन सबसे घटिया था क्योंकि भाई हैकर पैनल यूजर हर सीजन आता है लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कभी नहीं आया था। ये वाले सीजन में कुछ ज्यादा ही हैकर आया था बट फिर भी मैं यहाँ पे किसी तरीके से ग्रैंड मास्टर पुश कंप्लीट करता हूँ। एंड हाँ यहाँ पे 24 आवर तो नहीं थोड़ा ज्यादा ही लगा था क्योंकि इतने हैकर के सामने बिना आईडी शेयर किए पहले दिन के अंदर ग्रैंड मास्टर लगाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल था। बाकी अगर वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा है मतलब आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि लिटरली ये वाला वीडियो रेडी करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। एंड अगर आप सभी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अगर सब्सक्राइब कर देते हो तो हम लोग काफी जल्दी 30K सब्सक्राइबर्स हिट कर सकते हैं तो प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड टाटा।